हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास नंबर है आपकी 13 और यहां पर मैं टाइप की बात करता हूं तो टाइप है आपका ये 11। ठीक है जी। तो बेटा, इस टाइप में हम कुछ न्यू चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ फ्रेश चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो आप, मैंने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में कुछ इस फॉर्म में आता है, यानी कि जहां पर सिर्फ साइन और कोस की बात हो रही हो, किसकी बेटा, साइन और कोस की, और वहां पे क्या हो, स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कहीं पर भी होगा तो वहां पे हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसको देखते हैं। देखो कहीं पर भी 1/ में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन पे और कोस पे दोनों पे स्क्वायर, या फिर आपका यहाँ पे ए प्लस बी कोई कॉन्स्टेंट है, ए भी कोई कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी क्या बेटा, साइन स्क्वायर है, यहीं पर आपका कोस स्क्वायर एक्स हो जाता है, फिर आपका ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि अगर आप होल स्क्वायर को भी ओपन करते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स छिपा हुआ है, और ये भी है आपका ए प्लस में बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी कोस स्क्वायर एक्स। तो कहीं पर भी अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स दोनों ही, या साइन स्क्वायर एक्स अकेला या कोस स्क्वायर एक्स अकेला मिल जाता है, तो उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है बेटा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको ये चीज मिले तो न्यूमरेटर को भी, जो न्यूमरेटर है उसको भी डिवाइड कर देना कोस स्क्वायर एक्स से, और बेटा डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है कोस स्क्वायर एक्स से। बस यही टेक्निक आपको अपनानी है, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा उन टाइप्स में जो अभी तक हमने लास्ट क्लासेज में पढ़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन क्या इस पैटर्न पे है और हमें क्या करना है। आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है, कहीं पर भी ये पैटर्न मिले तो कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड और कोस एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर में डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कहीं ना कहीं एक ही वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को देखते हैं, 1/ में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपका इस टाइप से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका कॉन्स्टेंट पे क्या पावर है उससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं होगा, हमारा मतलब होगा कि कहीं पे साइन एक्स और कोस एक्स है और उन पे पावर है, या तो दोनों ही एक साथ है। ठीक है, नहीं कहीं ना कहीं या अकेला है साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर अकेला है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को उठाया तो आपका इंटीग्रेशन था 1/ में, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो बेटा इस टाइप में हमने क्या कहा है, जहां पर भी आपको ये चीज नजर आए, इसमें से कोई भी टाइप नजर आता है तो आपको सीधे सीधे न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देना बेटा किससे, कोस स्क्वायर एक्स से, और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर देना है आपको, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है बेटा कंप्लीटली कोस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको, 1/ कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स 1/ में, एक बार इसके नीचे लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और एक बार इसके नीचे लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया बेटा, बी स्क्वायर डी एक्स। और अब आपको ये पहचानी हुई चीज मिल गई, आपको पहचाना हुआ क्वेश्चन मिल गया कि कहीं ना कहीं अगर मैं टेन एक्स को टी मान लेता हूं, टेन स्क्वायर को मत मानना बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर टेन स्क्वायर एक्स पर डिफरेंस करोगे तो टू टेन एक्स टेन भी बनाना पड़ेगा फिर ऊपर, तो टेन एक्स को टी माना तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर में डी टी। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज और ये वाली चीज रिप्लेस हो गई आपकी डी टी में, तो इंटीग्रेशन 1 dt, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ में ए स्क्वायर और बेटा टी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख देंगे, ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए टी का होल स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। फिर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिस्कस किया है इन फॉर्मूले के बारे में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, एक वैल्यू कितने भी टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू क्या है ए टी अपॉन में बेटा बी। ठीक है, बट जिसको मैंने कहीं पे एक्स माना है
तो बेटा वो तो 80 लिखा हुआ है, यानी कि आपका 80 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, a, तो उसको मैं डिवाइड में लिख देता हूँ a, तो फाइनल आंसर हुआ आपका ए बी टेन इनवर्स 80, t की वैल्यू कितनी थी बेटा, t था 10, तो क्या हो जाएगा ये a tan x और अपॉन में b और प्लस में बेटा c, ये आपका फाइनल आंसर हो, ठीक है। तो मेन चीज यही आपकी, कहीं ना कहीं आपको डिवाइड कर देना है cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इसको भी डिवाइड कर दूंगा cos स्क्वायर x से, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या हो गया बेटा, ये भी sec स्क्वायर x हो गया, अपॉन में जब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दोगे, तो बेटा डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करोगे तो भाई 1 प्लस में 3 sin स्क्वायर x है और प्लस में 8 cos स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर को भी किससे बेटा cos स्क्वायर x से, तो सेपरेट आउट करता है, तो ये क्या बना बेटा 1 अपॉन में cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x प्लस में इसके नीचे लोगे तो 3 tan स्क्वायर x और प्लस में कितना बचता 8, ठीक है। तो ये बना आपके पास में sec स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x और प्लस में 8 dx, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये सेकंड ये वाला, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये बना, चलिए फिर आप थोड़ा सा और ध्यान दो, कहीं ना कहीं भाई sec स्क्वायर होगा यहां पे tan स्क्वायर होगा, तो मैं एक बात इस, ये तो ऐसे ही रहने देना है, इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 plus tan स्क्वायर x और प्लस में 3 tan स्क्वायर x प्लस में 8, ठीक है बेटा। अब ये फाइनली कितना बनता है, फाइनली बना भाई sec स्क्वायर x अपॉन में ये देखो, ये आपका 1 और 8 9 प्लस में 4 tan स्क्वायर x, फिर से वही कहानी आपको याद आ गई होगी कि लेट tan x बराबर में कितना हुआ t और sec स्क्वायर x dx बराबर में, फिर बिल्कुल आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है आपके, ठीक है। तो फिर क्या करना आपको, तो ये हो गया 1 अपॉन में 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 टी स्क्वायर है, ये टी माना था ना, और 4 टी स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 टी का होल स्क्वायर और डी टी। अब ये फॉर्मूला किसका बन जा रहा है, वही ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ठीक है। और आपने जिसको x माना है वो आपका 2t है, तो कहीं ना कहीं 2t का डिफरेंशन 2 आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में, तो फाइनली आंसर कितना बना 1 by 6 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन में 3, ठीक है बेटा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहां पर भी बेटा हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिवाइड लिख देना आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना, जब मैं न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स आएगा, तो उसको लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसके नीचे सेपरेट आउट कर देना, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर फिर से क्या बन गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में, फिर इसके नीचे भी आएगा तो क्या आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। कहीं ना कहीं इस sec स्क्वायर को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए tan स्क्वायर x में, तो ये बनेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर x dx, तो यानी कि मैं यहां से भी फिर से tan x को क्या मान लूंगा t और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर में क्या हो गया dt, ठीक है बेटा। अब इसको आप सोल्व कर ही लेंगे आप, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको 1 बाय टू tan इनवर्स 2 tan x, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले जैसे एक टाइप हम पढ़ रहे हैं उसी पे चलते हैं। तो यहां पे भी क्या लिखा बेटा, कहीं ना कहीं पे 1 अपॉन में लिखा हुआ है, तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे जाता हूं पहले, तो 1 अपॉन में अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कहीं ना कहीं cos sin x प्लस में 2 cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही क्या कर लेता हूँ बेटा चेंज कर लेता हूँ, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना, जब 1 को डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर एक्स तो क्या बना बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में,
तो कहीं ना कहीं जब आप इसको डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कोस एक्स था और साइन एक्स प्लस में टू कोस एक्स है, जब मैं इसको कहीं ना कहीं कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक कोस से कोस एक कैंसिल, फिर ये बचेगा आपका फाइनली ये वाली टर्म, ठीक है ये बचेगा। फिर एक बार इसके नीचे लिखोगे तो ये क्या बना बेटा टेन एक्स, और ये बना बेटा प्लस में टू, ठीक है क्लियर है बात। अब आप सीधे सीधे इसको क्या मान लेते हैं, टेन एक्स की जगह टेन एक्स प्लस टू को ही मान लेते हैं टी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल में जीरो हो जाना है, तो कहीं ना कहीं क्या बने sec स्क्वायर x dx बराबर में dt, तो ये कि पूरा रिप्लेसमेंट चला गया बेटा dt में और 1 अपॉन में क्या बेटा t और ये dt, तो आंसर क्या हो गया बेटा log t, और log आपका क्या बना t की वैल्यू थी tan x और प्लस में 2। तो बेटा मेन चीज क्या है, कहीं ना कहीं आपको टाइप याद रखना, टाइप की प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस की करोगे तो उतनी ही चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मान लो यही क्वेश्चन अगर अचानक से आ जाए तो आपको कंफ्यूज कर जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ इसको प्लस में टू कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि भाई वन अपॉन में आपका है तो साइन स्क्वायर एक्स है या कोस स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि कहीं मैं इसको कोस स्क्वायर डिवाइड करके मेरा कुछ और आसान तो नहीं बन जा रहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे तो अलग मेथड होगा फिर आपका, ठीक है, पर सबसे आसान मेथड आपका यही होगा। अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लिया तो क्वेश्चन बेटा एक दो मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो बेटा अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप पर है ये और ये, तो मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपके पास में जैसे साइन एक्स और साइन थ्री एक्स, ठीक है बेटा। तो इससे पहले हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, पर वहां पे बेटा साइन टू एक्स था या साइन फोर एक्स होता था, साइन टू एक्स का टू साइन एक्स कोस है और साइन फोर एक्स को भी हम इसी फॉर्म में करके टू में और इंटू टू करके, ठीक है ना, ओपन कर सकते थे। अब यहाँ पर साइन थ्री एक्स है, इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो फॉर्म है एग्जैक्टली इस पर मैच नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कुछ लेट करके हम उसको उस वाले फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। तो करते हैं जी, तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन थ्री साइन एक्स माइनस में फोर साइन की क्यूब एक्स डी एक्स। अच्छा जी, अब आपको नजर आ रहा है कि नीचे से साइन कॉमन और ऊपर, तो नीचे से जब साइन कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, और वन अपॉन में से क्या बचा बेटा थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये वाला मैच देखना, इससे मैच हो गया ना, तो कहीं ना कहीं इसको फिर से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो आपका बड़ी आसानी से आपको ये सोल्व हो जाना है। तो थ्री यहाँ पे बनेगा, तो इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो बेटा ये बना sec स्क्वायर एक्स और माइनस में बना फोर टेन स्क्वायर एक्स। फिर इस sec स्क्वायर को अगर नीचे आता है तो उसको tan में बदलेगा, तो 3 1 प्लस में tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x का फॉर्मूला माइनस में 4 tan स्क्वायर x, तो कितना हो गया बेटा 3 प्लस में 3 tan स्क्वायर x माइनस में 4 tan स्क्वायर x, तो फाइनली कितना बना आपके पास में, ये बना बेटा आपके पास में 3 माइनस में tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब यहां से फिर से वही आप प्रोसीजर आगे, tan को t मान लेना, फॉर्मूला आपका प्लस, तो tan को मैं क्या मान लेता हूं t, tan x बराबर में t, फिर आपके पास में क्या हुआ वही sec स्क्वायर x dx बराबर में dt, ये पूरी रिप्लेसमेंट हुई, तो 1 अपॉन में बचा 3, ये बचा माइनस में t का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 3 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है कि ये मैच हो रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 बाई 2 ए लॉग ए, ए का मतलब रूट 3 प्लस टी और रूट 3 माइनस टी, तो फाइनल आंसर कितना होगा 1 बाई 2 रूट 3 लॉग रूट 3, टी की वैल्यू कितनी थी बेटा 10 tan x और रूट 3 माइनस 10 और प्लस में c, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म है आपकी इसमें बदल जा रही है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से मैच हो जा रही है, ठीक है बेटा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका 1/2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा इस चीज को ना ध्यान से देखना कि तो कहीं ना कहीं आप एक चीज सोचेगा कि भाई मैं अगर इसका स्क्वायर भी ओपन करता तो कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर तो बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स तो बनेगा ही बनेगा। और ये किस टाइप से मैच करें बेटा, एग्जैक्टली इस टाइप पे मैच करें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो sec cos स्क्वायर x से। तो ये तो आपको पता है कि भाई ये हो जाना है sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये 2 sin x है प्लस में 3 cos x है का होल स्क्वायर है, और मैंने इसको डिवाइड किया है cos स्क्वायर x से। तो अब ध्यान देना, ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, क्या मैं इसको होल स्क्वायर में बंद कर सकता हूँ ना? ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप। तो ये बना बेटा sec स्क्वायर x, तो ये बना 2 tan x और प्लस में 3, ठीक है, ये हुआ, और इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, अब इसको क्या मान लेना है, 2 tan x प्लस में 3 को t मान लेना है, और ये बना 2 sec स्क्वायर x dx बराबर में dt, 2 डिवाइड में चला जाना है। तो कहीं ना कहीं sec स्क्वायर dx किस में रिप्लेस हुआ बेटा, 1/2 और dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t2। और ये क्या होगा इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा t^-2+1 और -2+1। तो फाइनली 1/2 माइनस में t^-1 आएगी, तो उसको 1/t लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर है माइनस में 1/2। t की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास, 2 tan x प्लस में 3। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। अब आते हैं बेटा हम इस वाले क्वेश्चन पे। देखो तो देखो कहीं ना कहीं हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसा पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करो आप तो साइन 2x आता है, और चाहे आप कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंस करो, बस ये माइनस में आता है, पर आता साइन 2x ही है। तो कहीं ना कहीं ऊपर साइन 2x है, और नीचे या तो मैं साइन स्क्वायर एक्स भी कर सकता हूँ और कोस स्क्वायर एक्स, दोनों का डिफरेंशिएशन, क्योंकि साइन 2x होता है, तो ये रिप्लेसमेंट में जा सकता है। बट दिक्कत ये है, अगर मैं साइन को मानता हूं तो बेटा इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा, और इसको कोस में कोस मानता हूं, कोस स्क्वायर मानता हूं, तो इसको कोस स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक में टर्म में रहना है। तो मैं क्या काम करता हूं, ये क्वेश्चन है जैसे साइन 2x, तो मैं एक काम करूंगा कि साइन की पावर 4 को तैसे रहने देता हूं, मैं कहीं ना कहीं किसको बदल लेता हूं। तो इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और यही चीज मैं कहीं ना कहीं क्या लिख सकता हूं, 1-sin² x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1-sin² x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको पता चल गया कि भाई साइन स्क्वायर x बराबर में t, और दोबारा करके दिखा देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 sin x आएगा बेटा, और sin x का आएगा cos x, dx बराबर में dt। तो कहीं ना कहीं ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, sin 2x dx बराबर में dt। तो अब आप इसका रिप्लेसमेंट होगी 1/4 में, ये बना बेटा t sin स्क्वायर को माना था ना आपने, t^4 बना, 1- में कितना बना बेटा, t^2 और ये होल स्क्वायर। भाई ये तो पावर 4 थी ना, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और फिर इसको मान सकते हैं हम। ठीक है, नहीं तो ये चीजें हो गई आपकी। अब इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं, t^2 1+t^2 -2t dt। तो कहीं ना कहीं ये बन गया आपके पास में 2t^2 और प्लस में 1। ठीक है जी, तो 1/4 में क्वाड्रेटिक से इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। फिर तो पहले हमारा काम है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो 2t^2 -2t + 1 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, तो बेटा पहले t जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन लो, तो t^2 बना, -t बना, और ये प्लस में 1/2। फिर हमने क्या कहा था, जो x के यानी कि t के साथ में होगा 1, उसका हाफ का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस और उतना ही स्क्वायर माइनस। तो यहां से ये बनेगा बेटा tan -1/2
का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ना माइनस वन बाई फोर और प्लस में वन बाई टू, तो एलसीएम लोगे तो माइनस वन प्लस में टू अपॉन में फोर, तो बेटा ये आ जाएगा वन बाई फोर प्लस में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेट, देखो ये टू तो बाहर ही लिख लेना है आपको। ठीक है बेटा, अब करना क्या होगा आपको कि भाई वन अपॉन में टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर डी टी, और ये किससे मैच कर रहा है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो मैच करते हैं बेटा वन बाई टू, वन बाई ए की वैल्यू हो गई वन बाई ए की वैल्यू हो गई वन बाई टू, तो ये तो फाइनली हो गया टू, और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा टी माइनस वन बाई टू, टी माइनस वन बाई टू और अपॉन में वन बाई टू, फाइनली करते हैं टू से टू कैंसिल टेन इनवर्स, अब ध्यान देना इसका एलसीएम लोगे तो टू टी माइनस वन और अपॉन में टू आएगा, फिर वन बाई टू से ये भी कैंसिल हो जाना है, ये फाइनली टू टी दिया है, तो फाइनल आंसर कितना बनना बेटा इसका टेन इनवर्स टू टेन। ठीक है, नहीं इसको माना था हमने टी साइन स्क्वायर को माना था, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बेटा माइनस वन। ठीक है, नोट कीजिए इसको, इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो बेटा, जब जब आपका कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर था तो आपने कोस स्क्वायर एक्स से आप न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया था, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर है, तो अब की बार हम इसको फोर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया साइन टू एक्स, साइन टू एक्स को बेटा ओपन कर देना, टू साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन में साइन की पावर फोर एक्स है और प्लस में कोस की पावर फोर एक्स है। ठीक है बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अब की बार कोस की पावर फोर से, तो टू साइन एक्स कोस है, न्यूमरेटर को भी कोस की पावर फोर से और बेटा डिनोमिनेटर को भी कोस की पावर फोर से, छोटी छोटी टेक्निक से आपको ये पकड़नी पड़ेगी तभी आपके क्वेश्चन ना जल्दी होंगे। ठीक है ना, और यही टेक्निक्स आपकी बेटा तभी आएगी जब आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस टाइप का अटेम्प्ट किया होगा। तो यहां से एक कोस कैंसिल हुआ तो बेटा क्या बचा यहाँ पे थ्री, तो एक साइन और एक कोस यहां से निकाल लो, तो वो जाएगा टेन एक्स वन अपॉन में अब कोस स्क्वायर बचा सेक स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो टेन की पावर फोर एक्स और इसको करोगे तो बेटा वन डी एक्स। अच्छा, यहां पर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन है, तो अगर मैं टेन को ही टी मानता हूं तो सिर्फ ये रिप्लेस होगा, ये प्रॉब्लम करेगा, हालांकि टी में बदल जाएगा पर उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं अगर मैं टेन स्क्वायर को ही टी मान लू टी, तो इसका डिफरेंस क्या होगा टू टेन एक्स और बेटा sec स्क्वायर x और dx बराबर में क्या हुआ dt, तो हो गया ये आपका सॉल्यूशन। तो ये ऊपर वाली वैल्यू अब ये पूरी की सब बदल गई बेटा dt में, और 1 अपॉन में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ये tan स्क्वायर का स्क्वायर tan का t स्क्वायर प्लस में 1 dt, तो क्या हो गया बेटा ये होता है 1 by a tan इनवर्स x by a 1 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या आंसर tan इनवर्स t, और t किसकी वैल्यू थी बेटा tan स्क्वायर की, तो ये भी चाहे आप पिछले मेथड से या सेकंड मेथड से, और बेटा ये आंसर आपका इनडेफिनिट में थोड़ा बहुत अलग टाइप से आप करते हैं तो आंसर वेरी कर सकता है, पर डेफिनिट में अगर कोई वैल्यू आप पुट करते हैं ये क्वेश्चन अगर डेफिनिट में होगा चाहे इथ में इस मेथड से करना चाहे आप पिछले वाले मेथड से, तो आंसर बेटा सेम आएगा एग्जैक्टली, तो इनडेफिनिट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर अलग मेथड से आप करते हैं। देखो बेटा इन क्वेश्चंस को करने के भी दो तरीके हैं, देखो ध्यान से देखना, अभी यही वाला टाइप कुछ इस तरीके का टाइप हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को हम इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखो तो वन अपॉन में थ्री प्लस में साइन टू एक्स और टू माइनस में थ्री कोस टू एक्स, देखो कहीं ना कहीं इसको तो मैं स्क्वायर की फॉर्म में बना सकता हूँ, चलो जी ये तो मैं चलो थोड़ा बहुत टेक्निक लगा के फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूं तो कहीं ना कहीं इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट साइन टू एक्स का फॉर्मूला स्क्वायर में, तो ज्यादा हम दूर नहीं जाते हैं, तो अभी तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई
मान लो हम ये बोलते हैं कि 2 tan x अपॉन में 1 plus में 10 square भी होता है, पर वो टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से कराने की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेथड मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ मेथड जितने भी आपके पास होंगे तो कहीं ना कहीं वे आपकी प्रैक्टिस से आएंगे और आपको आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। देखो 1 upon में जैसे 3 है तो बेटा इसको मैं 3 into 1 भी तो लिख सकता हूँ। मैं 3 लिखो या 3 into 1 बात एक ही है, प्लस में साइन 2x इंटीग्रेशन। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आप इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x और कोस एक्स dx। अब वही कहानी मिल गया आपको टाइप, कुछ ये वाला टाइप मिल गया आपको, और ये वाला टाइप मिलते ही तो आप समझ जाना है न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर से तो बेटा sec स्क्वायर x, इसको भी डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3 tan² x, प्लस में 3 बनेगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो एक कोस से कोस कैंसिल 2 tan x dx, और tan x को बेटा आप क्या मानोगे t, और t मानते ही sec स्क्वायर x रिप्लेस dt, और बेटा फाइनली क्या बना ये 1 upon में 3 t² प्लस में 2t प्लस में 3, और ये आपको किस तरफ ले जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 1 upon में क्वाड्रेटिक टाइप हो गया, और 1 upon में क्वाड्रेटिक टाइप में क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर 3 परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था, जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पहले अकेला 1 होना चाहिए, तो टी स्क्वायर प्लस में 2/3 t, कॉन्स्टेंट को भूल जाओ। फिर हमने कहा था जो t के साथ कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 cancel 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस, और प्लस में जो कॉन्स्टेंट हम भूले थे वो, तो 3 ये बना 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बेटा 1 upon में 9 प्लस में 3 26/9, तो प्लस में 26/9, तो ये बनेगी तो रूट में और इसको 3 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। हाँ गड़बड़ हो गई जी, जब 3 कॉमन लेंगे बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, और 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 8/9, और 8 को रूट में लिखूंगा तो 2√2/3 का होल स्क्वायर, क्लियर है बात। तो कहीं ना कहीं अब ये जो वैल्यू थी आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में, ये बना आपका आई बराबर में 1 upon में 3 तो बाहर ले लोगे 1/3 टी प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, 2√2/3 का स्क्वायर हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a प्लस में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया बेटा आपका वेरिएबल का स्क्वायर और ये कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होता है ये, कहीं ना कहीं होता है 1/8 2√2/3 करेंगे और tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी प्लस 1/3/a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2√2/3, फाइनली करेंगे 3 से 3 कैंसिल 1/2√2, और tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लेता हूँ 3t प्लस में 1 और 2√2, क्योंकि 3 इसके 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और t की वैल्यू कितनी है आपकी, t की वैल्यू है आपके tan t, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और इसका आंसर है बेटा 1/2√5 log √5 tan x माइनस 1 और √5 tan x प्लस में 1, ठीक है बेटा, ये चीजें आपकी। तो बेटा ये जो है आपका, ये टाइप आपका यहीं पे खत्म होता है, फिर इसी के जस्ट बाद हम अब एक नया टाइप पर हम बात करते हैं इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ, जो अभी तक हमने सिर्फ बात की थी जहां पर स्क्वायर था, अब की बार क्या आएगा साइन और कोस के टर्म्स आएगी और वहां पे कोई पावर नहीं होगी, जैसे 1 upon में a साइन x प्लस में b कोस x, 1 upon में a प्लस में b साइन x, 1 upon में a प्लस b कोस x, 1 upon में a sin x plus b cos x plus में c, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है sin x में भी और cos x में भी नहीं है,
इसको मैं बोलता हूँ टाइप 11 का बी पार्ट, टाइप 11 का बी पार्ट, ठीक है बेटा। अच्छा अब इनमें करना क्या होगा, तो इनमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 + tan² x। अगर मैं इनको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं साइन टू एक्स किसके बराबर होगा बेटा 2 tan x / 1 + tan² x। अगर यहाँ पर मैं 2x की जगह सिर्फ x रखता हूँ तो साइन x, तो यहाँ पर जो एंगल होते हैं थीटा होते हैं उनका भी हाफ हो जाता है। अगर इधर थीटा का हाफ करें तो इधर भी थीटा का हाफ, और बाकी की वैल्यू सेम, तो 2 tan x / 2 1 + tan² x / 2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ 2 tan x / 2 / 1 + tan² x / 2। इसी तरीके से कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - tan² x / 1 + tan² x। यानी कि कोस टू एक्स को कभी भी अगर आपको टेन की फॉर्म में बदलना हो तो ये फॉर्मूला है आपका। अगर यहाँ पर थीटा का हाफ करता हो तो इधर भी थीटा का क्या हो जाना बेटा हाफ, ये टेन स्क्वायर एक्स है आपका, ध्यान रखना। तो कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - tan² x / 2 / 1 + tan² x / 2। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है आपके, तो देखो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन सीबीएसई और ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो देखो ये वाला जो टाइप है आप ध्यान से देखो, इससे मैच कर रहा है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और प्लस में सी, ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये वाला टाइप भी इसी से मैच कर रहा है, ये वाला टाइप किससे मैच कर रहा है इससे, ये वाला टाइप किससे मैच कर रहा है बेटा इससे, ये वाला टाइप इससे मैच कर रहा है, ये वाला टाइप इससे मैच कर रहा है, और ये वाला टाइप भी कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इनको करने का तरीका क्या होगा, इनका पैटर्न क्या होगा, आपको मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बस कहीं पर भी ये वाली फॉर्म मिलती है तो साइन एक्स की जगह ये वैल्यू और कोस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आपको रख देनी है, आंख बंद करके रख देना बस, फिर आगे आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। तो इंटीग्रेशन 1/1 में मैंने क्या किया बेटा 1 टाइप से मैच हो गया, और जैसे ही टाइप से मैच हुआ तो मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। तो साइन एक्स का मतलब क्या हो बेटा 2 tan x और 1 + tan² x, और इस कोस एक्स का मतलब कितना हो बेटा 1 - यहाँ पे 2 भी आ गया x/2 और x/2, तो tan² x / 2 और अपॉन में 1 + tan² x / 2 dx, ठीक है बेटा। चलिए ये i = 1, तो ये i = 2 होगा, तो अब ध्यान दो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 1 + tan² x / 2 है, यहाँ पर भी 1 + tan² x / 2 है। जब आप एलसीएम लोगे तो ये 1/1 में क्या हो जाएगा 1 + tan² x / 2, तो ये हुआ प्लस में 2 tan x / 2, ये हुआ, और प्लस में 1 - tan² x / 2, ये हुआ होल की पावर में, पूरे की पावर में क्या आना है 1 + tan² x / 2, और ये हमें पता है ये कहीं ना कहीं घूम के ऊपर पहुंच जाना है, तो ये बन जाएगा बेटा 1 + tan² x / 2, ठीक है बेटा। चलो i = अब देखते हैं हम ऊपर क्या बना, 1 + tan² क्या होता है बेटा sec², तो ये बन जाएगा sec² x / 2, और ये जो 2 है 4 से थीटा के नीचे है, ध्यान रखना। अब आप इसको ना 1 + tan² जो x / 2 है इसको sec² में मत बदलिएगा, इसको आप tan में ही रहने दीजिएगा, तो tan² x से ये कैंसिल आउट हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या बना 2 tan x / 2 प्लस में 1 ये और 1 ये, कितना हुआ 2, यहां से 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये बना 1/2 बाहर, और बेटा sec² x / 2 ये बना tan x / 2 प्लस में 1 dx। अब आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं लेट कर लेना है किसको बेटा tan x / 2 + 1 को t। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो tan x का ये x / 2 है, ध्यान रखना tan x का होता है sec² x, यानी कि x / 2, फिर जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन भी रखना है बाद में dt, बस यही थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, जिसकी जरूरत वो यहाँ पर जिसकी नहीं वो इधर। तो आपको इस sec² x / 2 dx की जरूरत है, 2 को आप इधर लेके जा सकते हैं तो ये 2 हो जाए, तो कहीं ना कहीं i = हुआ बेटा 1/2 इंटीग्रेशन किस में बदल गए आपका ये 2 dt में, अपॉन में क्या बदला t, अपॉन में इसको पूरे को t माना था तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया log t, और log t का इंटीग्रेशन आप सॉरी ये आ गया, और t की वैल्यू आपको क्या रखनी है
टी की वैल्यू है आपके पास में टेन एक्स बाय टू प्लस में वन। देखो बड़ी आसानी से हो जाता है अगर आपको टाइप मालूम है ना, और टाइप से जैसे क्वेश्चन मैच हुआ तो आपको पता होता है कि हाँ इस टाइप में मुझे ये वैल्यू आपकी रखनी है। ठीक है बेटा, नोट कीजिए आप इसको। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, इसका आंसर मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराने के बाद दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर टू हुआ, क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और ये सेवन। अच्छा, अब आपका ये जो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ये सारा एक ही टाइप है, इसी तरीके से ही करना है जो हम करते आ रहे हैं कि देखो वन प्लस में कोस टू एक्स है ये, ठीक है, यहाँ पर आपका मैच कर जा रहा है। देखो अगर कहीं पर भी इनमें से कोई भी केस ऐसा होता है कि भाई वन प्लस में कोस है या वन माइनस में कोस है और या फिर वन अपॉन में वन प्लस में साइन है और या वन अपॉन में वन माइनस में साइन है, तो हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं इसको क्या कर देना है, सबसे सेकंड क्लास में पढ़ा था कि रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसको भी रेशनलाइजेशन, इसको भी, जब ये बिल्कुल अकेले। और यहाँ पे अकेले नहीं है बेटा, ये टू हो गया आपका। अगर इसको करने की भी कोशिश करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, फिर वन प्लस में कोस एक्स। और यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि वन प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होगी। वैसे इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ लास्ट वाले टाइप से, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू से नीचे डिवाइड, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू से ऊपर डिवाइड, ठीक है ना, तो उससे भी बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे करा दूं अगर मैं, देखो तो यहाँ पे जब मान लो यही वाली फॉर्म आपकी, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया तो रेशनलाइजेशन करने से तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब कुछ मिलेगा फिर इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना मैं सीधे सीधे रास्ते पे जाऊं, जब मेरे पास सीधा रास्ता है तो टेढ़ा मेढ़ा बनाने से तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हुआ आपके पास में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तो वन अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, ये हो जाएगा बेटा, ये भी सेक स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा और ये टू बचेगा बस। तो कहीं ना कहीं इसको मैं टेन में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, कितना बना फाइनली टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में थ्री, तो टेन एक्स बाय टू को टी मान लेना, ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास सिर्फ यही टेक्निक है किसी मेथड से कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर उसको करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, चलिए तो ये तो उस वाले मेथड से हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको करने में, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जस्ट ये वाला बता देता हूँ एक, और एक मैं बताता हूँ साइन वाला। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, वन अपॉन में टू, टाइप मैच किया ये वाला, उठा के सीधा सीधा वन माइनस में टेन स्क्वायर एक्स की, वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इंटीग्रेशन डी एक्स, एलसीएम ले लेना आपको, एलसीएम लेते ही टू बना प्लस में टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस में वन माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, अपॉन में आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना बन जाएगा ऊपर, वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। ठीक बेटा, अब इसको सोल्व करते हैं हम, देखो ऊपर तो बना सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, नीचे टू ये आपका थ्री हुआ और प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, तो यहाँ पे फिर से टेन एक्स बाय टू को टी मान लेना है, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू और इंटू में एक्स बाय टू का डिफरेंस वन बाय टू डी एक्स बराबर में क्या है बेटा डी टी, रिप्लेसमेंट दे दो इसको, टू की जरूरत नहीं है तो ये इधर, तो जैसे ही आप इसको रिप्लेसमेंट दोगे तो ये बना आपका टू डी टी, टू यहाँ पे डी टी यहाँ पे और थ्री प्लस में टी स्क्वायर, तो टू इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो एक किस फॉर्मूले से मैच कर गया, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस में वेरिएबल का स्क्वायर, तो टू क्या होता है टेन इनवर्स होता है वन बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई ए, और टू बाई रूट थ्री हो जाएगा आंसर, टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है बेटा टेन एक्स बाई टू और अपॉन में रूट थ्री, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराने, बस टाइप आपको याद हो तो आपको इसी रास्ते पे जाना है जो रास्ता उस टाइप में बताया गया है, इधर उधर भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका वन अपॉन में फाइव माइनस में फोर, इस टाइप किस टाइप से मैच कर रहा है बेटा, ये वाला टाइप से, तो सीधा सीधा साइन एक्स की जगह क्या रख देना है टू टेन एक्स बाय टू
और वन माइनस में सॉरी प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटीग्रल। एलसीएम लोगे बेटा कितना हो जाएगा ये, वन अपॉन में फाइव प्लस में फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में एट टेन एक्स बाई टू। नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर फाइनली क्या बना sec स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में क्या बना बेटा फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एट टेन एक्स बाई टू और जी प्लस में फाइव। ठीक है बेटा, फिर आपको बेटा यहाँ पे टेन एक्स को क्या मानना है, टेन एक्स बाई टू को t मानना है। sec स्क्वायर एक्स बाई टू हुआ, वन बाई टू हुआ, डी एक्स हुआ, डी टी हुआ। ठीक है बेटा, टू की आपको जरूरत नहीं है, वो उस पर दर गई। तो फाइनली आपके पास बनी कंडीशन ये बना बेटा, टू बाहर ले लेंगे, वन अपॉन में फाइव टी स्क्वायर माइनस एट डी और प्लस में फाइव डी टी। आपको साफ नजर आ गया वन अपॉन में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब बेटा है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, फाइव कॉमन ले लेना, टी स्क्वायर माइनस एट अपॉन फाइव टी और फाइव कॉमन लेते बेटा वन, तो फाइव परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो बेटा हमारे क्या हो जाता है, जिस जो ये टी है इसको तैसे रखना है, अभी जो ये टी के साथ में होते हैं उसका हाफ, उसका हाफ करोगे बेटा फोर बाई फाइव आएगा, एट बाई फाइव का हाफ करोगे कैंसिल, तो फोर बाई फाइव माइनस में फोर बाई फाइव का स्क्वायर और प्लस में वन। ठीक है बेटा, चलिए तो फाइव टी माइनस फोर बाई फाइव का स्क्वायर, यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में सिक्सटीन अपॉन में ट्वेंटी फाइव प्लस में वन और ये बनेगा बेटा नाइन अपॉन में ट्वेंटी फाइव, इसको लिख सकता हूँ प्लस में थ्री अपॉन में फाइव का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे हम इसको, देखो फाइव तो ये बाहर आएगा और टू ये पहले से बाहर है तो टेन तो ये हो गया। इंटीग्रेशन वन अपॉन में टी माइनस फोर बाई फाइव का स्क्वायर प्लस में थ्री अपॉन में फाइव का स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से वही टेन इनवर्स का कॉन्सेप्ट, तो वन बाई ए थ्री अपॉन फाइव टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइव टू तो ये बना टू बाई थ्री तो ये हो जाएगा बेटा फाइव और ये मूव कर जाएगा तो फिफ्टीन टेन इनवर्स फाइव टी माइनस फोर अपॉन में थ्री, क्योंकि फाइव से फाइव से कैंसिल हो जाना है तो ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर। बेटा इसको ना एक बार ही चेक कर लेना, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये आपका देखो टू तो ऊपर है ना और ये फाइव नीचे है। ठीक है, तो ये टू अपॉन में फाइव तो ये रहेगा और इन टू में और वन अपॉन में थ्री अपॉन फाइव ये आएगा तो ये और ये कैंसिल, टू बाई थ्री आएगा आंसर। ठीक है बेटा, चेक कर लेना। तो बेटा आपको जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया उनके आंसर है, इसका आंसर आपका टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू रहेगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा वन बाई रूट थ्री लोग टेन एक्स बाई टू माइनस टू माइनस रूट थ्री टेन एक्स बाई टू माइनस टू प्लस रूट थ्री। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है बेटा टू बाई थ्री टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू अपॉन थ्री और इस वाले का आंसर होगा वन बाई रूट फिफ्टीन लोग रूट थ्री प्लस रूट फाइव टेन एक्स बाई टू रूट थ्री माइनस में रूट फाइव टेन एक्स बाई टू। तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन को बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर इनसे आपका कोई डाउट आता है इन क्वेश्चन से तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे अपनी डाउट्स को मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, देखो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में तो नहीं है जो हमारे पास गिवन है, और नहीं है तो हम ये टेक्निक इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई साइन एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्मूला बेटा मैं लिख सकता हूँ टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस में कोस एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा वन माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एलसीएम आप लेंगे तो देखना बेटा क्या ऊपर क्या बनेगा वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में ध्यान रखना है अपॉन में ये चीज बनेगी आपकी। ठीक है, अब यहां पर टू टेन एक्स बाई टू है ब्रैकेट में पहले बेटा एलसीएम लीजिए
एलसीएम लेते ही ये क्या बना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, ये चीज बनेगी आपकी, ये चीज बनेगी तो प्लस में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और बेटा देखो, इसके नीचे ये था और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद पूरे के नीचे, पर यहाँ पे इनटू होना है, ध्यान रखना है। तो इनटू होते ये क्या बना, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बना, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इसका इंटीग्रल। तो कहीं ना कहीं इस वाली चीज से ये पूरा कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। तो आप ऊपर ध्यान देते हैं हम, ऊपर आपको मिला टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू, और प्लस में 1 मिला। नीचे देखते हैं बेटा, और ये जो एक अकेला बचेगा वो भी तो यहाँ पे जाना है ना कहीं ना कहीं पे, वे तो घूम के फिर से ऊपर जाना है ना इसके साथ में। ठीक है, टू टेन एक्स बाई टू, वन और वन टू, तो यहाँ पे बना फोर टेन एक्स बाई टू। ठीक है, और टेन एक्स बाई टू को क्या मानने से, टी मान लीजिए, और ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पर। ठीक है, और ये टेन एक्स बाई टू को क्या मान लेंगे, फिर से टी बराबर में टी, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, वन बाई टू आएगा डी एक्स, उस टू को इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब आप रख दीजिए, तो कितना बना बेटा ये फाइनली, टी स्क्वायर प्लस में टू टी प्लस में वन अपॉन में फोर टी, और बेटा टी डी टी और ये टू बाहर। अब इसको सेपरेट आउट करके आप बिल्डे आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। और देखो ये क्वेश्चन हमने जो किए हैं लास्ट में, इससे जस्ट पहले टाइप में किए थे। ठीक है, तो उस इन्हीं क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, देखो इसी टेक्निक से। तो वन अपॉन में थ्री साइन टू एक्स को लिख सकता हूँ, टू टेन एक्स अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अब की बार टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स एक्स रहेगा। एलसीएम लोगे तो बेटा ये बनेगा थ्री प्लस में थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस में टू टेन एक्स, और अपॉन में जाके यहाँ पे पहुंच जाएगा ये भाई, जो ये अपॉन में आएगा एलसीएम लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा, और टेन को क्या मान लेंगे बेटा टी, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्चुअल में सेक स्क्वायर है तो डी टी में, और वन अपॉन में थ्री टी स्क्वायर प्लस में टू टी और प्लस में थ्री, तो एग्जैक्टली वही फॉर्म मिल गए जो हमें लास्ट में थी। तो ये भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, वरना लास्ट में हमने क्या कहता है, यहाँ पे हमने कहा था थ्री को मैं थ्री इंटू वन लिख सकता हूँ, फिर साइन टू एक्स, फिर वहाँ पे क्या कहता था हमने थ्री, तो इतना आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि हाँ यार यहाँ पे वन मानना है, या ये क्वेश्चन किया हुआ होगा तो तब आपको याद रहेगा। तो पर हमें डायरेक्ट और अच्छी टेक्निक मिल गई भाई, इस टाइप का है तो डायरेक्ट हम इसको टू टेन एक्स बाई टू टू टेन एक्स अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है।